अच्छे अच्छे मौसम में बीच पर लेटना चाहिए, मजा आए या ना आए मजा लेना चाहिए। ग्रानी थोड़ा चुप हो जाओ, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो सो जाओ ना, मैंने थोड़ी मना किया तुम्हें सोने से। ये बेसुरा गाना गाना बंद करोगी तो ही तो मैं सो पाऊंगी ना, चैन से आराम करने भी नहीं देती ये ग्रानी। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चुप हो जा बेशरम ग्रानी। हाँ ओके ओके। अरे ग्रानी ऑल इविल नन, तुम ना यहाँ पर क्या कर ले हो? बीच के किनारे आराम करना बंद कर लो और जल्दी से उठो, हमें बच्चे को दलाना है, भूल गई क्या? अरे मोमो, अब मैं घोस्ट गैंग से रिटायर हो गई हूँ, अभी मुझे ये बच्चे को डराना अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ ग्रानी ही नहीं बल्कि मैं भी रिटायर हो चुकी हूँ, अब ये लोगों को डराने वाले काम हम नहीं करते। अरे पर क्यों? तुम दोनों आखिर का लिटल क्यों हो गए? अब क्या बताऊंगी मैं तुम्हें मोमो, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी बच्चे को डरा ले, पर आखिर में हम हार ही जाते हैं। वो लास्ट में हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा आकर हमको हेल में भेज देता है, और मुझे तो हेल बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप बस इसीलिए हम लोग रिटायर हो चुके हैं, क्यों विलन? मैंने सही कहा ना, हमने उस सिंचन के बच्चे को बहुत ही परेशान किया, और उस सिंचन और फ्रैंकलिन को हराने के चक्कर में हमें हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज से हारना पड़ा, इसीलिए बस हम आज के बाद उस सिंचन और उस डॉक्टर स्ट्रेंज से पंगा नहीं लेंगे। अरे पर ग्लैनी और विलन, हम तो भूत है, दूसरों को दलाना ही हमारा काम है। अगर हम लोगों को दलाएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? बीच पर आराम और क्या, हम भी नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जिएंगे और मजे करेंगे, क्यों विलन? अरे पर ऐसा तो नहीं होता है। हमें जो कहना था हमने कह दिया मोमो, अगर तुम्हें लोगों को डराना है तो वो तुम्हारी मर्जी, पर हमने आज से वो काम छोड़ दिया है, इसीलिए तुम हमें अब परेशान करना बंद करो और चली जाओ यहाँ से। अरे अरे ऐसा तो नहीं होता है, सबके सब रिश्ते तो नहीं हो सकते, मैं अकेले कैसे चलाऊंगी सबको, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ये सब उस सिंचन के बच्चे की वजह से हुआ है, और सिंचन के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लगता है कि ये मोमो भी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों मरने वाली है। अगर उस मोमो ने सिंचन को मारने की जरा भी कोशिश की तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज और फ्रैंकलिन उसे हेल में भेज देंगे। आज छोड़ो हमें क्या, हम तो रिटायर हो चुके हैं। ठंडे ठंडे पानी से। अरे चुप करो ग्रैनी, चुप करो। कोई गाने नहीं देता मेरे को यहाँ पे। कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, आओ चल डांस लो, जो लिसन नाचो हम तुम जो मैं नाचो नाचो, और देखो कल तो बेकार वो अलग रंग भैया, अलग रंग भैया, आप यहाँ पर सो के रहे हो फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से उठिए, हमें आज पिकनिक पे जाना था फ्रैंकलिन भैया, भूल गए क्या? मेरे फ्रैंकलिन भैया, मेरे प्यारे फ्रैंकलिन भैया, उठिए ना फ्रैंकलिन भैया प्लीज। अरे जा यार सिंचन, सोने दे यार मुझे, कल पूरी रात में सोया नहीं हूँ सिंचन, तू प्लीज जा यहाँ से और मुझे सोने दे चैन से, प्लीज तू जा। पर फ्रैंकलिन भैया हमारे पिकनिक का क्या होगा है, मैं पिकनिक पर अकेले नहीं जाना चाहता है, चलिए ना फ्रैंकलिन भैया, ऐसे क्या करते हो, उठिए। हाँ ये सिंचन कभी नहीं सुधरेगा। हाँ ठीक है उठ रहा हूँ मैं। अली बाबा मुझे आ गया, फ्लेंगे भैया मान गए, फ्लेंगे भैया मान गए, फ्लेंगे भैया मान गए। अरे यार बहुत ही अच्छी नींद आई थी मुझे, पर चलो कोई बात नहीं, आखिर मेरे पास सिंचन गए तो कम से कम मैं इतना कर ही सकता हूँ। वैसे दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज जरा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे और सिंचन को बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बता सिंचन कहाँ जाना है घूमने के लिए? एक हॉन्टेड हाउस में। अबे सिंचन क्या तू पागल है, घूमने के लिए कोई बोला हॉन्टेड हाउस में जाता है क्या, वहाँ पर भूत होंगे सिंचन। नहीं नहीं हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। क्यों फ्रैंकलिन भैया, आपको क्या भूतों से डर लगता है क्या है? नहीं तो मैं भूतों से क्यों डरूंगा बोला। झूठ बोल रहे हो ना फ्रैंकलिन भैया। नहीं सिंचन, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ, ये सारे छोटे मोटे भूत तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है सिंचन, सारे भूतों को तो बस मैं मेरी उंगलियों से हरा दूंगा सिंचन। फ्रैंकलिन भैया आप तो पूरे फेंको चिंता हो, आपको कुछ नहीं हो सकता है। अरे इसकी तो इसे कैसे पता चला? फ्रैंकलिन भैया मैं आपका भाई हूँ, मुझे आपके बारे में सब पता है। हाँ ओके ओके, पर तू ये बता कि तुझे भूतों के घर पे क्यों जाना है, हा? वो भी बस घूमने के लिए। हाँ तुझे पता है ना कि ग्रैनी और इविलन ने हमारा लास्ट टाइम क्या हाल किया था, ये तो अच्छा हुआ कि लास्ट टाइम सही सलामत डॉक्टर से जा गए और उन्होंने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं कि वो इविलन ग्रैनी और पेनवेस हमारा क्या हाल करते। और ये सब होने के बाद भी तुझे भूतों के घर जाना है क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन भैया मैंने सुना है कि ग्रैनी और इविलन अच्छे बन चुके हैं और वो घोस्ट कम्युनिटी से रिटायर हो चुके हैं। क्या कहा, ग्रैनी और इविलन घोस्ट कम्युनिटी से रिटायर हो चुके हैं? अरे बाप रे तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है सिंचन, पर ये हुआ कब और कैसे हुआ? ये तो मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन भैया, इसी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जल्दी से हॉन्टेड हाउस चलते हैं और ग्रैनी और इविलन से मिलते हैं, जल्दी आइए फ्रैंकलिन भैया मेरे पीछे पीछे, आज तो ग्रैनी और इविलन से मिलके मजा ही आ जाएगा। इविलन नाम तो सिंचन है और मैं सलाह से बुलाई, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नहा रही,
ये सिंचन का कभी कभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कभी बोलते हैं फ्रैंकलिन भैया मुझे सुनामी में ले चलो, और कभी बोलते हैं फ्रैंकलिन भैया मुझे हेल में ले चलो, और अब तो बोल रहे हैं कि फ्रैंकलिन भैया मुझे हॉन्टेड हाउस लेके चलो। पता नहीं कि आखिरकार तेरे दिमाग में चलता क्या रहता है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं इतना भी कुछ खास नहीं, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। ये कभी नहीं सुधरेगा। मेरे पास तो एक बहुत ही मस्त प्लान है, मैं उस पागल बच्चे सिंचन के घर में जाकर उस सिंचन के बच्चे को किडनैप कर दूंगी। और फिर जब उसका दोस्त फ्रैंकलिन उसे बचाने के लिए आएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगी। वाह क्या मस्त प्लान बनाया है मोमो तूने तो। फ्रैंकलिन और सिंचन के बच्चे को मारने के बाद लैनी और इविलन भी खुश हो जाएंगे और फिर वो रिटायरमेंट को कैंसिल कर देंगे। इतना जोर जोर से कौन हंस रहा है बे? अबे ओ हंसना बंद कर, पता नहीं कौन पागल जैसा हंस रहा है बाहर। अरे बाप रे लगता है मैं ज्यादा जोर से हंस लेती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कितना बेसुरा गाते हो पेनीवाइज, तुम्हें तो गाने का जी भी नहीं आता है, जरा ठीक से गाया करो। ग्रैनी तुमसे तो मैं अच्छा ही गा लेता हूँ। अच्छा मजे कर लेता हूँ पेनीवाइज, तुमसे अच्छा तो मैं ही गाती हूँ। सारे गम आप आधा नहीं सा सानी नाबा मागा रहे सा। अरे बेसुरो मेरे कान फाड़ना बंद करो, पागलों ने सिंगिंग कॉम्पिटिशन चालू कर दिया यहाँ पर। अरे इविलन आप यहाँ पर कब आई? हाँ अंधा है क्या, कब की आ गई है? मैंने तुमसे पूछा क्या ग्रैनी? पागल कहेंगे। इन दोनों के साथ अगर मैं रहूंगी तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ पर लड़ते बैठो, मैं वहाँ जाकर कॉन्जरिंग देखती हूँ। कभी नहीं सुधरेंगे ये दोनों पागल कही के। कभी कभी लगता है कि मैंने इन दोनों के साथ रिटायर होके ही गलती कर दी है। नमूने है दोनों के दोनों नमूने। तो ओके फ्रेंकी भैया हम लोग पहुँच गए भूतों के घर पे। इसी घर में ग्रैनी और इविलन और पेनी वैसे रहते होंगे। जल्दी आइए फ्रेंकी भैया मेरे पीछे पीछे जल्दी आइए। सिंचन तुझे डर नहीं लग रहा क्या? अगर ग्रैनी इविलन और पेनी वैसे सच में रिटायर नहीं हुए होंगे तो हम क्या करेंगे? तुझे पक्का यकीन है ना सिंचन की वो लोग रिटायर हो चुके हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और हम लोग उनसे मिलने चले गए तो पक्का वो लोग हमें मार डालेंगे सिंचन। अफ फ्रेंगे भैया आप कितने डरते हो, आप चिंता मत कीजिए फ्रेंगे भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अब मेरे पीछे पीछे ये फ्रेंगे भैया। ग्रैनी इविलन पेनीवाइज हम लोग आ गई, तुम्हारा प्यारे दोस्त सिंचन आ गया है। ग्रैनी जल्दी से आओ और दरवाजे खोलो, हम लोग वेट कर रहे हैं। यार सिंचन को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मेरी तो बस अभी फटे जा रही है। टिंग टंग दरवाजा खोलो, शरारती बच्चे सिंचन आ गए और उसके साथ उसे पागल फ्रेंगे भैया भी। अबे ओए सिंचन मैं पागल नहीं हूँ। ओके ओके। अरे अब पता नहीं कि इतनी रात में कौन आ गया। टिंग टंग दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो। अरे हाँ हाँ खोल रही हूँ, शांति रखो। खोलती हूँ दरवाजा। सिंचन फ्रेंगे तुम लोग? ग्रैनी हमें अंदर तो बुलाओ। अरे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे कौन आया है ग्रैनी? अरे कोई नहीं, ये तो मेरी दोस्ती है सिंचन फ्रैंकलिन। अरे वाह यार घर तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। भूतों के भी ऐश है आजकल। यो पेनीवाइज, यो इविलन, कैसे हो तुम लोग? हैं हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है सिंचन और फ्रैंकलिन। बहुत ही दिनों बाद दिखाई दिया सिंचन और फ्रैंकलिन, कैसे हो? हाँ ठीक तो हो ना? यार पेनीवाइज तुम्हारी हंसी तो अभी भी बहुत डरावनी है, जरा अच्छे से हंसा करो यार, अभी डर लग जाता है ना। अरे सॉरी सॉरी फ्रैंकलिन, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब क्या बताऊं पेनीवाइज, मेरे फ्रेंड भैया बहुत डरते हैं। अबे चुप है सिंचन। वैसे तुम ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? हम लोग ये चेक करने आए कि तुम लोग सच में भूत कम्युनिटी से रिटायर हो चुके हो ना, या फिर ये सब नाटक है हाँ हमें मारने के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हो फ्रैंकलिन, हम लोग सच में रिटायर हो चुके हैं। अब हम ये बच्चों को डराने का किडनैप करने का काम नहीं करते हैं, ये काम तो हमने कब का छोड़ दिया है। हमने हेल में बहुत ही सजा काट ली है फ्रैंकलिन और सिंचन, इसलिए हमें दोबारा हेल में नहीं जाना, हम अभी बहुत ही अच्छे बन गए हैं। देखो फ्रैंकलिन भैया मैंने कहा था ना, आप तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करते ही। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये भूत लोग आखिर इतने आसान से रिटायर कैसे हो गए? मुझे दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला लग रहा है। वैसे ये सब छोड़ो और तुम लोग ये बताओ कि इस घर में टीवी कहाँ है? एक्शन कमिंग का शो आने वाला है और मुझे वो देखना ही। अरे क्या ये कौन है? अरे बाप रे ये चुड़ैल कौन आ गई? अरे अरे क्या हुआ सिंचन, क्या हुआ क्या हुआ? तो ठीक तो है ना सिंचन? हाँ कोई भूत देख लिया क्या सिंचन तुमने? हाँ पेनीवाइज हम ही भूत है। अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया था। क्या हुआ सिंचन, तुमने किसको देख लिया? हाँ जो इतने डर गए? मैंने अभी अभी इस खिड़की के बाहर एक चुड़ैल को देखा है और वो बहुत ही डरावनी थी दोस्तों, बहुत ही डरावनी। दिखने में पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही थी। अरे सिंचन तुम्हें वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी घोस्ट कमेटी में भूत लोग थे सब यही पर है। क्यों मैंने सही कहा ना, इन तीनों के अलावा और कौन हो सकता है? नहीं फ्रैंकलिन भैया मुझे पूरा यकीन है, वो पक्का चुड़ैल ही थी। दिखने में वो कैसी लगती थी सिंचन? क्या उसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे? हाँ हाँ ग्रैनी तुमने बिल्कुल सही केस किए, उसके बहुत ही लंबे बाल थे और उसकी आंखें भी बहुत बड़े बड़े थे। लगता है कि सिंचन मोमो की बात कर रहा है। ये मोमो
वो चुड़ैल कहीं की सुधरेगी नहीं। लगता है कि वो हमें घोस्ट कमेंट में वापस लाने के लिए सिंचन को किडनैप करना चाहती है। क्या कहा सिंचन को किडनैप? ये तुम क्या करो पेनीवाइज? अरे बाप रे वाट लग गई। सच कहूँ तो मोमो भी एक घोस्ट कम्युनिटी के चुड़ैल है। वो सिंचन को किडनैप करके हमें इम्प्रेस करना चाहती है ताकि हम रिटर्न ना हो सके। इस मोमो का हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एविलन। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। अगर सिंचन ने मोमो को यहाँ पर देखा है तो वो पक्का इसे किडनैप करने की कोशिश करेगी। पर तुम चिंता मत करो सिंचन और फ्रैंकलिन, मैं तुम दोनों को किडनैप होने नहीं दूंगी। अरे डर मत सिंचन, तुझे कुछ नहीं होगा। हमारे साथ घोस्ट कम्युनिटी के सारे भूत हैं। पेनीवाइज, एविलन, ग्रैनी सबके सब हमारा साथ दे रहे हैं। अगर उस मोमो ने तुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे यार उस सिंचन के बच्चे ने तो मुझे देख लिया, अब मैं क्या करूंगी? अब तो ग्रैनी, पेनीवाइज और एविलन को भी पता चल गया होगा कि मैं सिंचन को किडनैप करने आई हूं। अब पता नहीं कि मेरे आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे, मैं